लोकेशन पारस डिफेंस अभी 650 चल रहा साइट जी। जी। पारस डिफेंस सर डिफेंस की कंपनी है। डिफेंस में आपको याद हो मैंने दो कंपनी देके रखी है, अभी टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हम बात नहीं कर रहे। बीडीएल और एचएल, हमें ये थीम बहुत अच्छा लग रहा है आने वाले 4-5 साल के लिए। तो डिफेंस में अगर कोई पैसा लगाना चाहे सर, डिफेंस में जीरो से स्टार्ट करा है सर हमने 2019 में, क्योंकि कोई डिफेंस में काम नहीं होता था इंडिया में। हम अपने लिए भी थोड़ा बहुत बनाते थे, मेनली बाहर से लाते थे। तो डिफेंस का पूरा चेंजेस हो गया है, अब हम बात कर रहे हैं बाहर अपना तेजस को बेचने के लिए। तो डिफेंस सेक्टर अच्छा लग रहा है, बट पारस थोड़ा सा महंगा है तो थोड़ा सा अवॉइड करके चले। अभी तो नया आईपीओ आया था, बट इसमें कोई मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी डिफेंस कंपनी चल रही है। अगर आप देखोगे सर, एक बार मैं चार्ट दिखा दूं सर आपको, एचएल का चार्ट देखो। हमारा 2500 का टारगेट था सर लॉन्ग टर्म में, हमने 1700 में दिया है आपके चैनल पे 2 महीना पहले। तो आप देखो 2250 रुपये चल रहा है, कंटिन्यूअस चल रहा है, क्योंकि टारगेट अचीव नहीं हुआ तो हम बार बार बात करने की लॉजिक नहीं बचता है। कंटिन्यूअस चल रहा है स्टॉक, और हमें लगता है ये। और दूसरा आप खोलो सर बीडीएल, तो वो भी दिख जाएगा सर आपको क्या उसका 1000 का टारगेट है सर, अभी 890-900 के करीब चल रहा होगा, 874। ये हमने 700-670-80 में दिया हुआ है, 1000 का टारगेट है सर। ये 1 साल का टारगेट दिया था आपके चैनल पे, डिफेंस के लिए बात की थी तब। हमें लगता है सर डिफेंस में बहुत भी अच्छा मोमेंटम है, और अभी आने वाला 4-5 साल और रहेगा, क्योंकि डिफेंस में हम इतने बड़े नहीं, मगर अब आत्मनिर्भर बन रहे हैं डिफेंस में अपने लिए भी, तो हम खुद ही अपना बड़ा ग्राहक है। उसके अलावा हम बाहर भी अपना तेजस बेच रहे हैं, या हमारा जो अग्नि मिसाइल्स हैं वो हम बाहर डील कर रहे हैं अभी। तो आने वाले टाइम पे सर डिफेंस सेक्टर में बहुत पैसा होता है एक्चुअली। तो हमें लगता है आने वाले टाइम पे ये दोस्त कंपनीज बीडीएल, एचएल, बीईएल, बीएमएल, ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। मैं उसमें से दो स्टॉक आप लोग के चैनल पे दिया था, एचएल और बीडीएल, वो ऑलरेडी 50-50% रिटर्न है, बट हमारा टारगेट अभी इंटैक्ट है तो अभी होल्ड है। पारस डिफेंस थोड़ा सा उसमें क्या है, महंगा शेयर है और इतना मोमेंटम नहीं है, और ज्यादा डेटा भी नहीं है स्टॉक में, क्योंकि नया लिस्टेड है, तो इसलिए थोड़ा सा हम अवॉइड करके चल रहे हैं। ठीक है।